तो भाई मेरे सामने है सिल्वर कलर की स्प्लेंडर गाड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। जैसे सभी को पता ही है, अभी यार कोई भी बंदा ना नॉर्मल अगर कोई स्विगी की जॉब कर रहा है, जोमेटो की जॉब कर रहा है, रैपिडो में कर रहा है, ओला में कर रहा है, तो उसके मन में एक थॉट आता है कि यार मैं बाइक लूँ तो लूँ कौन सी जिससे मेरी गाड़ी की एवरेज अच्छी मिले, पिकअप अच्छा मिले और बहुत ही ज़्यादा लो टाइप में प्राइस हो, उसका मेंटेनेंस को लेकर, सर्विस के मेंटेनेंस को लेकर लो प्राइस हो, पेड सर्विस हो या फिर कोई और महंगा काम वाला बातचीत अगर आती है ना भाई, तो बहुत कम प्राइस में अगर बात बननी चाहे तो भाई स्प्लेंडर का नाम सबसे पहले आता है। तो आज हम इस BS 2.0 OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, जो सेकंड जनरेशन की गाड़ी है ये वाली, E20 पेट्रोल के साथ हम आपको इसके बारे में कंप्लीट बताएंगे और कंप्लीट बारे में रिव्यू करेंगे इसका और डिटेल, छोटी छोटी डिटेल के बारे में बात करते हैं, जैसे आगे का सस्पेंशन कैसा है, इसका क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल मीटर नॉर्मल बाइक का रिव्यू करेंगे और छोटी छोटी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले तो मैं बताऊंगा, आपको डिजिटल मीटर तो नहीं है इसके अंदर देखने को मिलता है, एनालॉग मीटर मिल जाएगा, बट अगर आप चाहो तो डिजिटल मीटर वाली गाड़ी ले सकते हो, इसमें एक्सेक मीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सेक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल मैं बात करता हूं ये नॉर्मल एनालॉग मीटर इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें चाबी देखने को मिलती है, ये प्यारी सी चाबी जो कि स्प्लेंडर प्लस वाला फील देती है, जो पुरानी गाड़ी में आती थी, जो बहुत टाइम पहले जब स्प्लेंडर लॉन्च हुई थी ना, तो ये गाड़ी की चाबी यही देखने को मिलती थी, तो थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है, बाकी प्यारी सी चाबी है। अगर बात करूँ इसको चाबी को ऑन करने की, तो ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलती है न्यूट्रल लाइट, I3S टेक्नोलॉजी में दे रखी है, ये रहा बरन इसका, इसके बारे में बताएंगे आपको हम। उसके अलावा अगर बात की जाए साइड स्टैंड का, यहाँ पे लाइट दे रखी है, मतलब साइड स्टैंड काम करेगा तो फिर कौन सी बात है, लाइट जलेगी। पेट्रोल टैंक की यहाँ पे सुई देखने को मिल जाएगी नॉर्मल एनालॉग वाली, कंपनी कहती है भाई 12 लीटर के आसपास का पेट्रोल टैंक है, एक्जैक्टली आप गूगल देख लेना भाई, बाकी आप चाहो तो इसको स्कैन करके यहाँ से इसकी कैटलॉग भी डाउनलोड कर सकते हो, E20 वाली मार्किंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ सिंपल से ओवरऑल लुक की फ्रंट की, तो बिल्कुल सेम इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल सेम डिटो वही वाला मीटर है जो पहले देखने को मिलता था नॉर्मल स्प्लेंडर गाड़ी में, बस इसके अंदर ये लाइट एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी है, साइड स्टैंड की लाइट एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी और I3S की लाइट एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। अगर राइट साइड के कंट्रोल स्विच है, तो भाई यहाँ पे I3S का बटन है, सेल्फ का स्विच है और ये ग्रिप सेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ग्रिप सेट वही पुराना वाला ग्रिप सेट है, इसमें हैंडल वेट देखने को नहीं मिलता है, अगर आप चाहो तो हैंडल वेट लगा सकते हो, यहाँ से कटिंग करके आपको मिल जाएगा, पर वो ये डिपेंड करता है आपकी मॉडिफिकेशन सिचुएशन के ऊपर, मॉडिफिकेशन क्या कह रहे हो क्या नहीं। ये लीवर है, उसके अलावा अगर बात की जाए थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्रेक स्विच, जब आगे की ब्रेक मारते ना तो पीछे की लाइट जलती है, छोटे से स्विच से जलती है, अगर ये डिस्क ब्रेक वेरियंट होता तो यहाँ नीचे की तरफ स्विच होता, पर यहाँ पर ये नॉर्मल ब्रेक वेरियंट है, तो यहाँ पर आपको ये वाला स्विच देखने को मिलेगा। छोटी सी टाई बेल्ट दे रखी है थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, यहाँ पे जो वायर है तो इसको यहाँ से लॉक कर देती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सिंपल सा साइड का मिरर है आपको देखने को मिलता है। और हाँ एक चीज और, साइड में अगर लूज हो जाता है तो ये टाइट वगैरह कर सकते हो आप यहाँ से पेज से, ये छोटा सा पेज देख रहे हो, ये एडजस्टमेंट सिस्टम है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता, ये बता देता हूँ, अगर पेज को टाइट करोगे तो ये साइड मिरर आपका टाइट हो जाएगा और लूज करोगे तो ये लूज हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच है, तो भाई लेफ्ट साइड का जो कंट्रोल स्विच है वो सिंपल सा देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार का, आपको पता ही है BS4 में हेडलाइट वाला बटन नहीं आता, तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ये छोटा सा स्विच यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि हैवी आपका हाई बीम देगा और लो में आपका लो बीम देगा, वो मतलब यार छोटा मोटा तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर बात की जाए इंडिकेटर स्विच की, तो ये सिंपल सा इंडिकेटर स्विच राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, अगर मैं चालू करके दिखाऊं तो भाई ये देखो चाबी ऑन कर दी मैंने, और ये राइट साइड का इंडिकेटर जलाता हूं तो यह जल जाएगा और अगर लेफ्ट साइड का जलाता हूं यह जल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा यार काफी सारे इंडिकेटरों में ना जलाने पर बजर की आवाज आती है टू टू टू, तो मैं बता देता हूं स्प्लेंडर गाड़ी में आराम से आप बजर लगवा सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी वे में लग जाता है। उसके अलावा ये हॉर्न है, हॉर्न इसमें सिंगल देखने को मिलता है, आवाज कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि स्प्लेंडर गाड़ी में शुरुआती दौर से जो आवाज आती आ रही है ना हीरो की, जो इंजन में आवाज आती है, साइलेंसर में आवाज आती है, तो उसमें तो कंपनी ने सुधार किया है, बट हॉर्न एक ऐसी चीज होती है उसमें सुधार करना समझदारी नहीं होती, क्योंकि हॉर्न बहुत सिंपल चाहिए होता है इन गाड़ियों के लिए, क्योंकि कंप्यूटर सेगमेंट सिटी राइड के लिए गाड़ी होती है फील्ड वाली जॉब के लिए, तो हॉर्न अगर आप चाहो तो अलग से एड ऑन करा सकते हो, वो बाहर की आउटसाइड में हो जाता है, पर मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा ऐसा करने के लिए, क्योंकि भाई वायरिंग में बहुत ज्यादा कटपेट लगती है, वो गलत है, वो ठीक नहीं होता, और भाई वही मिरर सामने देखने को मिल जाता है, सिंपल सा मिरर एकदम। और अगर छोटे से स्विच की बात करें तो यहाँ पर ना ये स्विच देखने को मिलता है जो कि इस गाड़ी के अंदर क्लच दबाने पर सेल्फ काम करता है, जैसे मान लो गाड़ी गियर में है तो ये स्विच की मदद से जैसे ही क्लच दबाओगे तो सेल्फ काम करेगा, स्विच खराब हो जाता है सेल्फ गियर में सेल्फ काम नहीं करता है। तो ये था कुछ इस प्रकार का फ्रंट लुक हमारा, बात करते हैं नीचे की तरफ। और लुक की बात करो फ्रंट साइड की, तो ये तीन तीन आपको ब्रेक केबल दिख रही होंगी, ये है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये जो ब्रेक आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये जो वायर आप देख रहे हो ये वाली वायर बैक साइड में गई है जो कि रियर ब्रेक से कनेक्ट होती है और फ्रंट व्हील को ब्रेक को कनेक्ट करती है। इससे क्या होगा, जब आप आगे की ब्रेक मारोगे तो सिंपल वे में काम करेगी, बट पीछे की ब्रेक भी उससे काम करेगी, क्योंकि इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा केबलों पर हीरो की लॉगिंग मार्किंग दिख जाती है जो कि पार्ट नंबर देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक सोकर सिंपल वाले हैं जो कि पहले भी देखने को मिलते थे। उसके अलावा अगर बात की जाए टायर का साइज, वही सिंपल है, आपको देखने को मिलेगा 80-100-18 नंबर का ट्यूबलेस टायर है, और ये पहले ट्यूबलेस नहीं आता था, तो कंपनी ने अभी इसको ट्यूबलेस कर दिया है, तो अच्छी बात है, मीटर केबल देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कम क्यों हो जाता है बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल से लुक में देखने को मिलती है। उसके अलावा जो केम है काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर दी है केम कंपनी ने, पहले यहाँ पर सिंगल केबल थी, अब इसमें डुअल केबल आती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। अगर बात की जाए ओवरऑल लुक की, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
यार स्प्लेंडर की ना बात ही अलग है। स्प्लेंडर में आप कितनी भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करा लो, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देने को तैयार रहती है, हमेशा हमेशा तैयार रहती है। और एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके अंदर, वो है ये है 4 एम्पेयर के आउटपुट के साथ आपको ये देखने को मिलता है भाई, प्यारा सा लुक वाइज था। यहाँ का एक USB पोर्ट जिससे आप फोन अपना चार्ज कर पाओगे कुछ इस प्रकार, ये देखो भाई कंपनी ने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा सही है कि यहाँ ऐड किया है। अगर ये इधर उधर कहीं इधर उधर देते ना अलग से, वो बेकार लगता है यार, बहुत भद्दा लगता है। तो क्योंकि होता है ना कभी कभी बंदे यहाँ लगवा लेते हैं, यहाँ लगवा लेते हैं, यहाँ लगवा लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। तो ये यहाँ साइड में दे रखा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो स्प्लेंडर प्लस हो या स्प्लेंडर प्रो हो, दोनों के इंजन बिल्कुल सेम होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इंजन के लुक की बात करूँ, तो अगर आप स्प्लेंडर प्रो देखो तो इंजन सेम है, स्प्लेंडर प्लस देखो तो इंजन सेम है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन के बारे में, तो ये जो इंजन है FI सिस्टम में मिल जाता है, जहाँ पर आपको सिंगल स्पार्क प्लग में देखने को मिलेगा, किक के साथ वेरिएंट, हीरो की मार्किंग मिल जाएगी, ये ऑयल गेज है जिसको हम बोलते हैं डिपस्टिक, और ये है O2 सेंसर जिसको बोलते हैं हम अपना, ये सेंसर के तरीके से बोल सकते हैं, O2 सेंसर है, ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। और ये हमारा स्पार्क प्लग है, ये हमारी आउटसाइड सेल्फ की मोटर है। अच्छा एक बात है यार, काफ़ी सारे लोग ना अभी बाड़ी में ना पता क्या कर रहे हैं, इनबिल्ट सेल्फ की मोटर दे रहे हैं, बट ये जो स्प्लेंडर का लुक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके सेल्फ की मोटर से जाना जाता है, और ये बहुत प्यारा भी लगता है इस सेल्फ की मोटर को देखते हुए। पावर स्टार्ट वाला लुक देखने को मिलता है, FI है इसमें लिखा है प्रोग्राम FI। ये ऑन बोर्ड साइक्रोनाइजेशन जो पहला वाला जो आता था ना, उसकी सेकंड जनरेशन का, यानी 2.0 का, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं BS7 का, पर BS6 2.0 कंपनी ने निकाला है। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है जो बदलाव की है कंपनी ने, वो ये है, ये देखो यहाँ पर ना ये लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले क्या होता था, एक छोटा सा एक मतलब ना पर्दा टाइप का दिखता था जो कि यहाँ था, और जो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करता था। अभी क्या कंपनी ने वाइब्रेशन कम करने के लिए पूरा प्रॉपर लुक चेंज कर दिया है अंदर का, मीटर का जो काउल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया है। देखो ये देखो पूरा डिफरेंट, एकदम डिफरेंट टाइप का लुक है, ये देखो पूरा डिफरेंट लुक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ये सोकर के अलावा थोड़ा सा पीछे की तरफ लेग गार्ड की बात करूँ, तो लेग गार्ड बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट मुझे ये नहीं पता कि एक्सोरूम प्राइस में लेग गार्ड इंक्लूडेड नहीं है, तो एक बार आप शोरूम में पता कर सकते हो। उसके अलावा ये छोटा सा हमारे EVAP सिस्टम देखने को मिल जाता है, चारकोल जैसे कहते हैं हम, BS4 सिस्टम, EVAP एवेपरेटिव एम्बिशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा ऊपर टंकी में छेद नहीं होता, नीचे की तरफ से यहाँ से ये कंबसन सिस्टम के अंदर जाता है, यहीं से पेट्रोल जाता है कंबसन सिस्टम में, और ये यूज़ हो जाता है जो एक्स्ट्रा उड़ने वाला पेट्रोल होता है। उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कंपनी ने RR यूनिट, पीछे की तरफ देख रहे हो, यहाँ इसलिए दे रखा है ताकि जब गाड़ी चले तो यहाँ पर ठंडा रहे और गर्म जल्दी से ना हो, और ये इसकी लाइफ जो है ना बढ़िया रहे, लंबे टाइम तक रहे। कंपनी पहले जो है यहाँ पर लॉक देती थी, तो कंपनी ने लॉक हटा दिया है और यहाँ पर ये पेस दे दिया है। पहले वाइब्रेशन ज़्यादा आती थी, पर कंपनी ने पेस देने से वाइब्रेशन को कम कर दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर बात की जाए थोड़ा सा और पीछे की, तो साइलेंसर में यहाँ पर आपको प्लेट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको पता ही है सिंपल से साइलेंसर में बहुत पहले से प्लेट आती है, चाहे वो एक्सटेक हो चाहे वो स्प्लेंडर नॉर्मल हो, ठीक है। ओवरऑल लुक की बात करें तो स्प्लेंडर एक्सटेक से मेल खाता है, बस थोड़ा सा मीटर में फर्क आ जाता है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है इसके अंदर। अगर पीछे के सोकर की बात करूँ तो एडजस्टेबल सोकर है इसमें, देख लो एडजस्टेबल सिस्टम है इसके अंदर, ये आप एडजस्ट कर सकते हो, दूसरे नंबर पर है, आप तीसरे चौथे पहले पर भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो फुटर्स वही सिंपल जो पहले आता था वही वाला फुटर्स है, और आगे वाला फुटर्स वही सिंपल सिमिलर पहले वाला ही है। उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे ना थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, ये सारा तामझाम पहले नहीं आता था, पहले सिंपल सी ब्रेक आती थी, अभी क्या है इन्होंने इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम जो किया है ना, इससे ब्रेक के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉस्टिंग निकाली है, एक तरीके से इसमें काफ़ी सारा सामान ऐड किया है इसके अंदर, पहले इतना सामान ऐड नहीं था इसके अंदर, काफ़ी सारा सामान ऐड करने के बाद ये देखने को कुछ इस प्रकार मिलती है। अगर थोड़ा सा और पीछे की तरफ बात करें तो टायर की बात करूँ तो भाई ब्लेज कलर की, यहाँ पे ब्लेज की हमें प्रॉपर ब्रांडिंग दिख जाएगी, और साथ में टायर के नंबर की बात की जाए तो भाई ट्यूबलेस टायर है, JK टायर जैसे कहते हैं, और 80-118 नंबर का टायर है, वही सेम आगे और पीछे दोनों टायर सेम ही हैं। पीछे का मरकाट देखने को मिल जाएगा, LED वैलिडी कुछ नहीं मिलने वाली इसके अंदर, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, और आगे की हेडलाइट भी सिंपल है, कोई भी लाइट इसके अंदर LED DRL वाली नहीं मिलने वाली, सिंपल से लुक में स्प्लेंडर है। अगर आप परचेस करना चाहते हो सिंपल लुक की स्प्लेंडर गाड़ी को, तो आप इस वाली बाइक को परचेस कर सकते हो, 75,000 के आसपास का इसका प्राइस है एक्स शोरूम का, कि स्टेट में अलग प्राइस है तो बात अलग है, आप अपने स्टेट में प्राइस जाके पता कर सकते हो, ऑन रोड प्राइस कितने का पड़ेगा ये आपको कंप्लीट डिटेल आपके शोरूम वाले बता देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एड्रेस नंबर और डाल दूंगा, उनसे भी आप पता कर सकते हो, कॉल करके कंप्लीट डिटेल आपको पता लग जाएगी। फेस्टिवल टाइम चल रहा है भाई, हो सकता है फेस्टिवल में आपको कुछ देखने को मिले, ठीक है। अगर बात की जाए इधर के लुक की, तो यहाँ पे साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो पैर वगैरह रखने के काम आता है, और अगर साइड में इधर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे पूरा इंजन का प्रॉपर लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि मैग्नेट इसके अंदर जो है, मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट कोयल वो ऑयल में डिप रहती है, जो पहले वाली स्प्लेंडर गाड़ी थी वो मैग्नेट वहाँ पर सूखा रहता था, ड्राई रहता था। तो ये भाई कंपनी ने थोड़ा सा अपडेट किया है यहाँ पर, ये है हमारी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी, और ये सेंसर के साथ दे रखा है हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर पाइप। अगर बात की जाए थोड़ा सा और इधर की तरफ साइड में आ जाऊँ मैं, तो लुक के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे कलर वेरिएंट निकाल रखे हैं, आप गूगल पे देख सकते हो करके। बाकी ये हीरो की सिंपल सी मार्किंग है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर है जो ब्लू और सिल्वर के लुक में आपको देखने को मिलता है i3S टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर मैं बात करूँ i3S टेक्नोलॉजी किस काम करती है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी आप चला रहे हो रोड पर, आपने रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी करी, तो आपकी गाड़ी ना ऑटोमेटिकली
बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये I3S टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप इसे बंद कर दोगे तो फिर वो जैसे ही आपकी गाड़ी बंद होगी फिर वो चाबी ऑन करके स्टार्ट होगी, सेल्फ मारने से स्टार्ट होगी। ये I3S टेक्नोलॉजी काम करती है। पर जब इसे बंद कर दोगे तो I3S टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम करना बंद कर देगी, मतलब ये वाली लाइट जलेगी नहीं, और जब इसे ऑन कर दोगे तो ये जलेगी स्टार्ट करने पर, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर बात की जाए डिस्क ब्रेक की, फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलती है देखने को, रियर डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है देखने को, रियर ड्रम और फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। अगर आप चाहो तो बाहर बहुत सारी मॉडिफिकेशन में करा सकते हो, मैंने अपनी मॉडिफिकेशन की वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, ARV ब्रदर्स चैनल पर, अभी आप देख रहे हो मेरा स्क्रूजर चैनल। अगर आपको ये बाइक पसंद आई है तो एक बार मुझे कमेंट करवाना, कौन कौन बंदा स्प्लेंडर लवर है इस बारे में मुझे जरूर कमेंट कर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।